हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब के चैनल स्टडी 2427 में स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि गरीब सरकार ने जो है गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए जो आज है उसको कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है। जो अब आरक्षण की सीमा है वो 50% से बढ़कर 60% हो गई है। यह 10% जो आरक्षण है यह आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को दिया जाएगा, और यह किन सवर्णों को दिया जाएगा इसके लिए जानेंगे। तो गरीब सवर्णों के लिए जो है सरकार ने 10% जो है आरक्षण की व्यवस्था चालू की है आज से, और इसके लिए सरकार जो है संविधान में संशोधन करेगी आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में। जो है संविधान में आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन किया जाएगा, और इस जो इस यह है इस आरक्षण का किन सवर्णों को लाभ मिलेगा और वह लाभ कैसे मिलेगा, क्या होगी आय की अधिकतम सीमा, क्या होगी न्यूनतम सीमा, और क्या 8 लाख होगी या 2.5 लाख होगी या कैसे होगा, तो इसके लिए आप देखते रहिए वीडियो। एक बार आगे बढ़ने से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छे लगी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें। ये रही वो खबर जिसके पीएम मोदी ने आज 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं सवर्ण उनके लिए आज योजना निकाली है, और इसमें जो रहा है 8 लाख पर एनम, जो अभी तक जो जानकारी आ रही है कि 8 लाख रुपए पर वर्ष जिनकी आय होगी उससे कम वाले जो होंगे उनके लिए यह रखा जाएगा, और 5 एकड़ भूमि से कम होनी चाहिए 8 लाख रुपीज और पर एनम और 5 एकड़ भूमि पर ईयर। ये आज फैसला लिया गया है कैबिनेट में, इसके लिए इन द डिसीजन द मे बी प्रूव टू बी गेम चेंजर अहेड ऑफ द जनरल इलेक्शन। 10% रिजर्वेशन, 50% रिजर्वेशन कैप अब जो है 60% हो जाएगा, इसको बढ़ाकर सरकार करेगी संशोधन लाएगी पार्लियामेंट में। और इसके लिए जो अगली खबर जो आई है ये देखिए, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि चुनाव के पहले भाजपा सरकार संसद में संविधान संशोधन करे, हम सरकार का साथ देंगे, नहीं तो साफ हो जाएगा कि भाजपा का चुनाव के पहले का स्टंट है। ये कहा है उन्होंने ट्वीट करके। ब्रेकिंग न्यूज है कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण 50% की सीमा से ऊपर होगा, इसके लिए संविधान संशोधन किया जाएगा। ये रही वो न्यूज, और इसके लिए जो है वो रहेगा वो आपका 8 लाख रुपीज पर ईयर रहेगा। अभी तक जो सरकार की तरफ से जो जानकारी मिली है 8 लाख रुपीज पर ईयर, और इसके लिए डी राजा ने भी इसके कहा कि यह डिसीजन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अभिषेक सिंघवी ने भी कहा है कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, विपक्षी पार्टियां जो है सरकार पर आरोप लगा रही हैं। ये लिखा है अर्निंग देन 8 लाख पर एनम वुड बी एलिजिबल, जो अभी तक कहा गया है। आगे देखना है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लग रहा हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।